हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और वी कैन से टर्मिनोलॉजीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री पे डिस्कशन कर लिया था। अब इस लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की कंसेप्ट पर डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं नटशेल में आपको डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बता दूं ताकि इसका एक बैकग्राउंड प्रिपेयर हो सके। मैंने आपको बताया था इकोनॉमी में फोर सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज द हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड इज द फर्म सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल है वो मैं ऑलरेडी वैसे मैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में डिटेल बता चुका हूं, बट फटाफट मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कंज्यूमर का रोल भी प्ले करती है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर का रोल भी प्ले करती है, लेकिन गवर्नमेंट का मेजर जो रोल है, मेजर फंक्शन है, वो होता है टू कलेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट का काम है टैक्सेस कलेक्ट करना, हाउसहोल्ड सेक्टर से डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करना और फर्म सेक्टर से सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करना और उसके अगेंस्ट कुछ सब्सिडीज इन लोगों को पे करना। और आपको पता है जितने भी टैक्सेस होते हैं ये ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स मीन सिंगल साइडेड होते हैं जिसमें के अगेंस्ट कोई कंसीडरेशन एक्चुअली नहीं होता। फाइन, तो ये हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का रोल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं टैक्सेस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप के टैक्सेस होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और सेकंड टाइप के टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में जो टैक्स पे करता है उसका बर्डन उसी बंदे के ऊपर आता है, जैसे इनकम टैक्स। अगर मैं इनकम टैक्स पे करूंगा, मैं अपना इनकम टैक्स पे करता हूं तो उसका बर्डन मुझ पर ही आएगा, मैं किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो टैक्स पेयर होता है वो टैक्स पेयर एज अ मीडिएटर वर्क करता है, एक पार्टी से टैक्स कलेक्ट करता है और दूसरी पार्टी को दे देता है। अब देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, एक पार्टी से टैक्स कलेक्ट करेगा मींस किससे टैक्स कलेक्ट, फ्रॉम द कस्टमर, और एक पार्टी को दे देगा, किसको दे देगा, वो टू द गवर्नमेंट। अब आप एक इसके अंदर फंडा समझिए, ये है हमारी फर्म सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, अब ये फर्म सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करती है, ये हाउस होल्ड सेक्टर से, आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है, ये हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेती है, अभी मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, और उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ये प्रोड्यूस करेगी क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और उस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर इनको पेमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, अब गवर्नमेंट फर्म सेक्टर को बोलती है कि आप जब ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को सेल करें तो इसकी कीमत के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी ले टैक्स के फॉर्म में। आप कलेक्ट करेंगे किससे, हाउस होल्ड सेक्टर से या कंज्यूमर से, और उसके बाद फिर आप हमको अल्टीमेटली पे करेंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर ने किसको बोला, फर्म सेक्टर को, कि आप ये जो गुड्स एंड सर्विसेज इनको बेच रहे हैं इसमें कुछ परसेंटेज हमारा टैक्स का भी ऐड करें और वो आप कलेक्ट करें किससे, कस्टमर से, और कलेक्ट करने के बाद में इसको पे कर दे। तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हाउस होल्ड सेक्टर पहले किसको पे करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर टू द फर्म सेक्टर एंड फाइनली फर्म सेक्टर विल डिपॉजिट दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरह से। अब कैसे, तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए फर्म सेक्टर ने कोई एक प्रोडक्ट बेचा, मान लें हम एक मोबाइल सेल किया, अब एक मोबाइल, अच्छा मोबाइल कौन सेल करेगा, मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर कौन है, फर्म सेक्टर, और इसका लेने वाला कौन है, कंज्यूमर सेक्टर। मोबाइल की कीमत है लेट सपोज 50,000 रुपीज, और इस मोबाइल के ऊपर लेट सपोज हम बात कर रहे हैं 12% जीएसटी लगता है, तो हमने इसके ऊपर 12% जीएसटी कैलकुलेट किया, 50,000 का 12% होता है 6,000 रुपीज, तो शॉपकीपर जो है वो कस्टमर से 56,000 रुपीज लेगा। वो बोलेगा भाई जब बिल बनाएगा तो बोलेगा 50,000 रुपीज का मोबाइल है, 6,000 रुपए इसके ऊपर टैक्सेस के लगे हैं और उसके ऊपर आपको हमें कितने पे करने, यू हैव टू पे रुपीज 56,000। तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर का बंदा कंज्यूमर विल पे 56,000 टू द फर्म सेक्टर, और इसमें से 56,000 रुपीज में से 50,000 रुपीज तो ये अपने पास रखेगा और 6,000 रुपया जो है 6,000 रुपीज जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के हैं वो किसके पास पहुंचा देगा, गवर्नमेंट के पास में अल्टीमेटली पहुंचा देगा। ये मैकेनिज्म होता है इनडायरेक्ट टैक्स का। आप देखिए
इसमें से प्रोडक्ट की कीमत जो है वो एक्चुअली 50,000 रुपीज ही है। मींस जो आपके हाथ में मोबाइल आ रहा है जिसके आप 56,000 पे कर रहे हैं, एक्चुअली उसकी कीमत तो 50,000 ही है। कंपनी की डिटरमिंड प्राइस कितनी है? 50,000। और इसको बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फैक्टर कॉस्ट। इसको क्या कहेंगे हम? फैक्टर कॉस्ट। आगे के लिए याद रख लीजिएगा, मैं वैसे भी बता चुका हूं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में। फैक्टर इनकम बायलेटरल होता है। बायलेटरल मींस या तो फैक्टर प्रोडक्शन के अगेंस्ट मिलेगा या गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट होगा। तो गुड्स और सर्विस कितने की दी गई? 50,000 रुपीस की गुड्स दी गई। उसके ऊपर जो 12% जीएसटी लिया गया, ये है हमारा कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों? क्योंकि हाउसहोल्ड कंज्यूमर ने फर्म को पे किया, फर्म ने फिर गवर्नमेंट को पे किया, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ठीक है, फाइन। और ये जो 56,000 है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्केट प्राइस। ये कांसेप्ट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्या कहलाएगा? आपका मार्केट प्राइस। इसको मार्केट प्राइस बोलेंगे। तो इससे अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या बनता है? मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की प्राइस को या उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मोबाइल की कीमत जो फैक्टर कॉस्ट के अंदर हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया, तो वो अल्टीमेटली क्या हो गया? महंगा हो गया। और जितना हाई टैक्स होगा उतना ज्यादा वो अल्टीमेटली महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो एक हुआ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कंज्यूमर सेक्टर किसको पे करता है? फर्म सेक्टर को। और फर्म सेक्टर अल्टीमेटली पे कर देती है गवर्नमेंट सेक्टर को। तो जब प्रोडक्ट की कीमत के बदले में कुछ परसेंटेज जोड़ा जाता है तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि उसका बर्डन अल्टीमेटली किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर ही आएगा, तो वो उसके लिए महंगा पड़ने लगता है। तो उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। मैंने क्या कहा? इसकी कीमत फैक्टर कॉस्ट है, उसके अंदर हमने इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड किया, तो हमारे पास मार्केट प्राइस अल्टीमेटली आ गई। दिस इज अवर व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे एक पेमेंट गवर्नमेंट फार्म सेक्टर से वसूलती है और फार्म सेक्टर कंज्यूमर से वसूलता है, इसी का एक उल्टा रिवर्स मैकेनिज्म होता है। रिवर्स मैकेनिज्म के अंदर अब गवर्नमेंट फर्म को बोलेगी कि अब ये जो प्रोडक्ट आप पब्लिक को बेच रहे हो, इसकी प्राइस में से कुछ परसेंटेज कम करो और वो पैसा हम आपको देंगे, और कस्टमर से वो पैसा आप क्या करना? कम लेना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गैस सिलेंडर की सब्सिडी। वैसे तो अब इतनी सब्सिडी रही नहीं गैस सिलेंडर के ऊपर, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं होता क्या है। गैस सिलेंडर प्रोवाइड करने वाला कौन? तो गैस सिलेंडर प्रोवाइड करने वाला होगा कौन? फर्म सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर को। ठीक है, अब मान लीजिए कि गैस सिलेंडर की कीमत है, एक मान लें कि गैस सिलेंडर, ये जस्ट अजम्पशन है, गैस सिलेंडर की वैल्यू है लेट सपोज 1,000 रुपीज। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसके ऊपर आप 15% सब्सिडी डिडक्ट करके देंगे। 15% सब्सिडी डिडक्ट करके देंगे मींस आपको ये अगर 1,000 रुपए की पड़ती है, इसकी अगर फैक्टर कॉस्ट आपकी कितनी है? फैक्टर कॉस्ट 1,000 रुपीज है। दिस इज अवर फैक्टर कॉस्ट 1,000 रुपीज है। तो आप कस्टमर को कितने में पास ऑन करेंगे? इसको सिर्फ 15% काट कर 850 रुपए में। मींस सब्सिडी जो होगी दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस फैक्टर कॉस्ट। सब्सिडीज 15% 150 रुपए कम हो गई, और कस्टमर को कितने का पड़ेगा? ये 850 रुपए का। ठीक है, वो फर्म सेक्टर बोलेगी कि हम इसको 150 रुपए कम करके बेच तो देंगे, पर 150 रुपए का हमें तो लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि टेंशन मत लो, ये जो 150 रुपए का जो पेमेंट है ये हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। तो ये जो पैसा गवर्नमेंट फार्म सेक्टर को देती है, इसकी वैल्यू को कम करने में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सब्सिडी। जस्ट ऑपोजिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट ने कहा था कंज्यूमर से लेकर हमको दो, और अब क्या बोल रही है? हमसे लेकर कंज्यूमर को उसका बेनिफिट पास ऑन करो। पैसा दो मत, उसका बेनिफिट उसको अल्टीमेटली पास ऑन करो। मींस 1,000 रुपए के फैक्टर कॉस्ट की चीज, मार्केट प्राइस उसकी अल्टीमेटली कम हो जाना चाहिए। देखिए यहां पर भी सेम टू सेम फंडा है। यहां पर मैंने क्या कहा? गैस सिलेंडर की प्राइस, ये जो प्राइस है ये फैक्टर कॉस्ट है। प्राइस कितनी थी एक्चुअली? 1,000। इसके ऊपर से क्या माइनस कर दिया गया? सब्सिडीज। और ये जो बची हमारी क्या बनी? मार्केट प्राइस बनी। इसका मीनिंग ये होगा कि सब्सिडी एक्चुअली रिड्यूसेस द मार्केट प्राइस या प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज
इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस. ठीक है, तो अगर हम कहें इसमें यहां से ये फॉर्मूला डिराइव होगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट माइनस व्हाट सब्सिडीज, फैक्टर कॉस्ट में से सब्सिडी माइनस कर दी जाएगी. ओके, आई होप इट इज क्लियर. तो ये दो हमारे कंसेप्ट होगा, एक कंसेप्ट में पेमेंट आता है फ्रॉम फार्म सेक्टर टू द गवर्नमेंट सेक्टर, एक इनडायरेक्ट टैक्स, एक कंसेप्ट में पेमेंट जाता है फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर टू द फार्म सेक्टर सब्सिडीज. ये अच्छा, अगर आप इन दोनों को देखें, ये जो मेरा एग्जांपल था यहां पे, ये सब्सिडीज का एग्जांपल था और ये मेरा इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल था, तो दोनों का नेचर सेम है लेकिन दोनों का फ्लो डिफरेंट है. एक का फ्लो होता है फ्रॉम फार्म सेक्टर टू द गवर्नमेंट, एक का फ्लो होता है फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर टू द फार्म सेक्टर. एक क्या करता है, प्रोडक्ट की प्राइसेस को इंक्रीज कर देता है, एक प्रोडक्ट की प्राइसेस को डिक्रीज कर देता है. ठीक है, एक गवर्नमेंट पे करती है फार्म सेक्टर को, एक फार्म सेक्टर पे करता है गवर्नमेंट को. मीन्स अल्टीमेटली दोनों का नेचर सेम है, एक जैसा उसका फीचर है, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक है, बट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है. ठीक है, तो होता क्या है, हम ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली कितना हुआ. ठीक है, हम हमारी नेशनल इनकम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करने के बाद लेते हैं. देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में जब जब भी वर्ड नेट आएगा, ये जो वर्ड मैंने बोला ना नेट, ठीक है, तो ये नेट का कंसेप्ट, जैसे अभी आगे आएगा आपको, ये तो मैंने अभी बताया एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आगे आएगा एनएफआई है. ठीक है, उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट, जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं मैं. तो जितने भी नेट होते हैं, ये नेट हमेशा क्या माना जाएगा, जब भी इकोनॉमिक्स में नेट आए तो नेट होगा एडजस्टमेंट ऑफ टू वैल्यूज ऑफ द सेम नेचर, ऑफ द सेम नेचर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, इसको ऐसा बोल सकते हैं, दो ऐसी वैल्यूज जिनका नेचर सेम है लेकिन उनका डायरेक्शन अलग अलग है. जैसे मैंने क्या कहा, सब्सिडीज का डायरेक्शन गवर्नमेंट से फॉर्म सेक्टर को, इनडायरेक्ट टैक्स का डायरेक्शन फ्रॉम फॉर्म सेक्टर टू द गवर्नमेंट, एक प्राइस बढ़ा रहा है, एक प्राइस को कम कर रहा है. मींस दोनों का नेचर सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है. जब इन दोनों को आपस में हम एडजस्ट कर देते हैं तो वो वैल्यू नेट निकल जाती है. तो अगर हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोला गया तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर देंगे. ठीक है, क्योंकि सब्सिडीज जो होती है प्राइसेस को कम करती है और गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन डालती है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है प्राइसेस को बढ़ाती है और गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू जनरेट करती है. तो हमारा एनआईटी का फॉर्मूला होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. तो क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम में से, नेशनल इनकम हम कभी भी, कोई भी नेशनल इनकम मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट नहीं होती, वो किसके ऊपर कैलकुलेट होती है, हमेशा फैक्टर कॉस्ट के ऊपर. फैक्टर कॉस्ट मींस नेट प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू एक्चुअली एक दूसरे को पास ऑन हुई. अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में जोड़ लिया जाएगा तो नेशनल इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की इनकम है. ठीक है, तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये है कि जो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये डिफरेंस होता है, एडजस्टमेंट होता है बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज. इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का कांसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया. आई होप आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा. स्टिल अगर कोई क्वेरी डाउट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी. Thank you.